हाय दोस्तों, आज हम आपको शॉर्ट वीडियो बनाना सिखाएंगे। एजुकेशन शॉर्ट वीडियो किस तरह से बनाया जाता है आपको आज बताएंगे। देखो जिस तरह से यहाँ शॉर्ट वीडियो दिख रहे हैं, देखो अगर आप भी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो इस तरह से आपके भी चैनल में ग्रो हो गए। देखो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो कितने व्यूज आ रहे हैं, इस तरह आपके भी चैनल में व्यूज आएंगे जिससे आपका चैनल ग्रो होगा और आप यूट्यूब से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो चलो आपको बताते हैं किस तरह से आपको वीडियो बनाना। चलो पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से वीडियो बनाया जाता है। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, जिसमें ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है द्विफोकस लेंस और ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस, जिसमें से 5 सेकंड का टाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नंबर अवतल लेंस। आपने वीडियो तो देख ही लिया है, चलो आपको बताते हैं किस तरह से वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए काइनमास्टर। तो काइनमास्टर देखो हमारे पास ये है, हमने ओपन कर लिया काइनमास्टर। ओपन करने के बाद आपको क्या करना, अगर काइनमास्टर आप भी चाहते हो तो हमारे जाके टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं आप, वहाँ पर मिल जाएगा इस तरह का काइनमास्टर। इसके बाद आपको क्या करना, जब आप काइनमास्टर इस तरह ओपन कर लेंगे तो आपके यहाँ सामने दिखेगा प्लस वाला आइकन, तो इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके 3 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें ये इंस्टाग्राम का ऑप्शन होता है, ये शॉर्ट वीडियो का होता है और ये लॉन्ग वीडियो का होता है। तो चलो हम आज आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाते हैं। तो शॉर्ट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें इसके बाद आपको बताएगा कि कौन सा आपको पास वॉलपेपर लेना है, बैकग्राउंड लेना है। तो बैकग्राउंड लेने के लिए तो चलो हमने एक बैकग्राउंड बनाया है, तो वो यहाँ से लिए ले रहे हैं। चलो आपको वो बैकग्राउंड लेना हो तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलो आपको देखो ले लिया, इसके बाद इस पर क्लिक कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जितना लॉन्ग वीडियो बनाना है तो उतना इसको स्क्रॉल कर लेना है, आगे की साइड यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। तो चलो हम देखो यहाँ पर स्क्रॉल करके ले रहे हैं, जितना लॉन्ग आपको बनाना है तो उतना आप बना सकते हैं, उतना लॉन्ग आप यहाँ को स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद जैसे हमने स्क्रॉल किया, इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद इसको आगे की तरफ ले जाना है। जैसे आप इस तरह से आगे की तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये हमने एक फोटो बनाया तो ये फोटो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लेना। इसके बाद इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना है, इस तरह से आपको बनाना है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन आपको दिखाया था, वीडियो दिखाया था, उस तरह से बनाकर दिखा रहे हैं। तो चलो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लेयर पर जाना पड़ेगा। तो चलो आपको बताते हैं पहले लेयर पर जाकर क्या करना है। लेयर पर जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा तो इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन राइट करना है। तो आप देखो यहाँ से भी क्वेश्चन राइट कर सकते हैं और यहाँ से बोलकर भी क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से राइट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इससे लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो चलो हम आपको यहाँ पर कॉपी किए हैं, तो कॉपी किए आपको दिखा रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर कॉपी किए हैं, पूरे क्वेश्चन किए हैं, ऑप्शन कॉपी किए। तो चलो हम आप यहाँ पर क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखो ये लॉन्ग लंबा है तो इसे क्या करना है, यहाँ पर छोटा करना है। छोटा करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, इंटर वाली बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये देखो इन पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पर नीचे हो रहा तो इतना नहीं लेना, तो आपको क्या करना है फिर से बैक कर लेना और यहाँ पर आपको कर लेना है, यहाँ पर चश्मे के पहले आपको कर लेना है, यहाँ से इसके बाद इंटर कर देना। जैसे इंटर करेंगे इस तरह हो जाएगा, इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर ये दिख जाएगा। इस तरह दिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपको इस पे ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। इस पे से आपको क्या करना है, ब्लैक वाला का चूज कर लेना, जो भी आप कलर लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो, बहुत कलर है। चलो हम यहाँ पर ब्लैक वाला ऑप्शन लेकर दिखा रहे हैं, ये देखो ब्लैक वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये कलर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज वाले ये ऑप्शन दिख रहा है, तो इस फॉन्ट चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद चलो हम आपको दिखा रहे हैं कौन सा फॉन्ट लेकर, यहाँ पर देखो हम रोबोटो ब्लैक वाला लेकर दिखा रहे हैं, इस पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक वाला ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे देखो आपके सामने इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको फिट करके कर लेना है। जितना आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, जितने स्क्रॉल करना चाहते हैं यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, उतने अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेना है। चलो देखो हमने यहाँ पर इतना ले लिया, इसके बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन को फिट कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन को आपको फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे इस तरह से आपका बन जाएगा। इसके बाद जितना यहाँ पर आपने बैकग्राउंड लिया तो उतना इसको भी स्क्रॉल करके ले जाना, इसमें क्लिक करना है, स्क्रॉल करके इसको आगे तरफ ले जाना है, उतना ही इसको बराबर कर लेना है। जैसे आप उतना ही बराबर स्क्रॉल करके कर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन लगाना, तो देखो यहाँ से थोड़ा आगे से स्पेस छोड़ देना है। देखो यहाँ से थोड़ा आगे से स्पेस छोड़ देना जिससे कि क्वेश्चन बोले इसके बाद ऑप्शन आए, तो इतना यहाँ पर हम आपको छोड़ के दिखा रहे हैं। इतना देखो हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, और छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, इतना हमने छोड़ दिया।
इसके बाद क्या करना है, अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन लगाने के लिए फिर से पुनः आपको लेयर पे जाना पड़ेगा। जैसे आप लेयर पे जाएंगे तो फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा टेक्स्ट वाला, तो अगेन टेक्स्ट वाले में जाना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ले लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो हम यहाँ पर कॉपी किए, तो फर्स्ट ऑप्शन लेकर दिखा रहे हैं। इसके बाद लिया, इसके बाद यहाँ पर हमने डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। देखो इस तरह से क्लिक करने के बाद ये आपके सामने दिखेगा, देखो यहाँ पर दिखेगा। इसको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत से कलर दिखेंगे, तो यहाँ पर हम आपको जो भी आप कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। चलो हम यहाँ पर इस बार कलर येलो लेकर दिखा रहे हैं, तो येलो वाला कलर पर हमने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ से फॉन्ट भी चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर जो भी फॉन्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलो अगेन इसमें भी हम रोबोटो ब्लॉक वाला लेकर दिखा रहे हैं, तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पर आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल स्क्रॉल करके अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेना है। देखो हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना लेना चाहते हो उतना लेकर यहाँ पर फिट कर लेना है। देखो हमने यहाँ पर इतना अपने अकॉर्डिंग फिट कर लिया, तो यहाँ पर देखो इतना फिट करने के बाद कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लग चुका है। इस तरह देखो आपको क्या लगाना है, बी ऑप्शन भी लगाना है, इसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन भी लगाना है, इसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन भी लगाना है। जिस तरह से हमने बताया इस तरह से आपको सभी ऑप्शन लगाना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन लगाने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके उतना ही ले जाना है जितना यहाँ पर बैकग्राउंड लिया गया था। चलो तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बैकग्राउंड कितना लेकर यहाँ पर देखो हमने ले लिया। इसके बाद क्या करना है, देखो इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, स्पेस छोड़ देना है, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन बी लगा के दिखाना है। चलो बी ऑप्शन आपको लगा के दिखा रहे हैं, यहाँ से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लेयर पर जाना है, लेयर पर जाने के बाद टेक्स्ट पर जाना है, टेक्स्ट पर जाने के बाद आपको बी ऑप्शन ले लेना है। चलो हम यहाँ पर बी ऑप्शन लेकर दिखा रहे हैं। देखो बी ऑप्शन लिया, यहाँ पर ओके पर किया। इसके बाद फिर अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरह कलर चूज कर लेंगे। कलर चूज करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट भी उसी तरह चूज कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो हमने फॉन्ट भी चूज कर लिया। इसके बाद ओके कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर फिट कर लेना है। चलो जैसे हम क्लिक करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेना है। देखो जो हमने यहाँ पर फोटो बनाया उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया गया है, तो उसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पर फिट कर लेना है। देखो हमने यहाँ पर आपको फिट करके दिखा दिया, इस तरह से फिट कर लेना है। ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको छोटा कर लेना है, स्क्रॉल करके ऐसे करना है आपको यहाँ पर छोटा कर लेना है। देखो यहाँ पर फिट करने के बाद यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर बी ऑप्शन भी लग गया। इसी तरह आपको देखो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन लगाकर दिखाते हैं, इसके बाद बताएंगे किस तरह से आपको आगे प्रोसेस करना है। यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन लगा लिया, देखो ए बी सी तथा डी चारों ऑप्शन यहाँ पर लगा लिए। देखो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखो आपके सामने दिख रहा होगा चारों लेयर, यहाँ देखो आपको चारों लेयर दिख रही हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर जितने पे हमने बैकग्राउंड लिया था उतने पे हमने यहाँ पर चारों लेयर कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे एनिमेशन देंगे, तो क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। देखो ये क्वेश्चन वाइज लेयर है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा आपको इन एनिमेशन, तो इन एनिमेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरपेज ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करते जाना है नीचे को, तो यहाँ पर दिखेगा एक आपको वाइप राइट वाला, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है वाइप राइट वाला ऑप्शन, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने ये दिख रहा है, इस तरह से ओपन होने लगेगा। इस तरह करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट टिक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट टिक पर क्लिक कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह देखो आपको क्या करना है, ऑप्शन पर लगाना है, सभी ऑप्शन पर लगाना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन पर लगाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन के लेयर पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन के लेयर पर जैसे क्लिक करेंगे तो इन एनिमेशन आ जाएगा, तो इसमें भी स्क्रॉल करना है और उसी तरह लगा देना है। यहाँ पर लगा देना है, देखो दिख रहा है वाइप राइट वाला, तो इसमें लगा देना। इसी तरह देखो अब नेक्स्ट ऑप्शन वाले इसी तरह लगा के दिखा रहे हैं, सभी ऑप्शन में इसी तरह लगा लेंगे जिससे क्वेश्चन ओपन होगा, तो इसके बाद ऑप्शन भी इसी तरह से ओपन होता जाएगा। चलो इसके बाद देखो हमने सी वाले में लगा के दिखा रहे हैं, इसी तरह आपको सभी ऑप्शन पर लगा लेना है। जब सभी ऑप्शन पर लगा लेंगे जिस तरह से आप क्वेश्चन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से दिखने लगेगा, जिस तरह हमने कर रहे हैं यहाँ पर एनिमेशन। एनिमेशन करने के बाद आपको इस तरह से दिखने लगेंगे सभी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बन चुका है। इसके बाद आपको वीडियो ओपन करना हो तो आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ओपन कर क्लिक किया तो देखो किस तरह से दिखेगा। इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखो दिखेगा पहले कि क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जब आप बोल देंगे क्वेश्चन की लेंस लगा होता है, तो इसके बाद आपका फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखो फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर लेंस देखो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा अवतल लेंस। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सी ऑप्शन ओपन हो जाएगा द्विफोकसी लेंस। इसके बाद डी ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पर बेलनाकार लेंस। इसके बाद जैसे बेलनाकार लेंस हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक टाइमर लगा देना है। टाइमर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से आपको पुनः लेयर पर जाना पड़ेगा। लेयर पर जैसे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ये दिखेगा ऊपर मीडिया वाला ऑप्शन, तो मीडिया वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर जाना है, इसके बाद यहाँ पर ऊपर मीडिया वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, टाइमर लगा लेना है।
ये टाइमर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेना। देखो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर जितना बड़ा दिख रहा है इसको और छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट कर लेना है। देखो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है, तो इसको यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर स्क्रीन नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्रोमा की, तो क्रोमा की वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर देखो आपका जो ग्रीन दिख रहा था वो आउट हो गया। इसके बाद यहाँ पर राइट टिक पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। चलो आपको दिखाते हैं, यहाँ से ओपन करके आप सुनोगे तो किस तरह से टाइमर स्टार्ट होगा। इस तरह जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो टाइमर इस तरह से चलने लगेगा। जैसे टाइमर चलेगा, टाइमर होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को रोक देना है। यहाँ पर जैसे वीडियो को रोक दोगे, यहाँ पर आपको लगाना है आंसर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन के लिए जैसे यहाँ पर देखो लेयर खत्म हो रही है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। करेक्ट ऑप्शन लगाने के लिए आपको फिर से पुनः क्या करना पड़ेगा, लेयर वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। जैसे आप लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा हैंड राइटिंग, इस हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको देख लेना है कि ये एरो वाला सिंबल है कि नहीं है, तो इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपका जो ऑप्शन करेक्ट है तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके जैसे आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर एरो बन जाएगा। देखो हम यहाँ पर प्रेस करके दिखा रहे हैं आपको, तो बन के दिख जाएगा। ये देखो हमने प्रेस किया तो यहाँ पर बन गया। इस तरह बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देना। जैसे आप टिक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर ये लेयर बन चुकी है, तो इस लेयर पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से आ जाएगा। जो भी ये रोटेट करना हो तो आप यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हो, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेटेबल भी कर सकते हो यहाँ से स्क्रॉल करके। इस तरह करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर दिखेगा मिडिल में। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये ओवरऑल एनिमेशन है, तो इसमें क्या करना है, ब्लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ब्लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से देखो ये चलने लगेगा। इस तरह से देखो ये ब्लिंक होने लगे। तो ब्लिंक होने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा करना चाहते हो तो इसे उतना लंबा कर सकते हो। इसके बाद इस तरह से करने के बाद इस तरह से कर लेना है। इसके बाद देखो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो टाइमर स्टार्ट होगा। टाइमर आउट होने के बाद आपका यहाँ पर क्या दिखेगा, करेक्ट आंसर दिखेगा, ऑप्शन बी नंबर हो गया। तो इस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपके सामने दिख रहा है ये वॉइस वाला। अब इसमें वॉइस देना है तो वॉइस कैसे दोगे, तो यहाँ से आप वॉइस दे सकते हो। इसमें जैसे आप क्लिक ऑप्शन पे आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉइस कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर वॉइस क्लिक करेंगे तो वॉइस हो जाएगी स्टार्ट, यहाँ से आप वॉइस कर लेंगे। वॉइस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने वन क्वेश्चन के लिए कहा, अगर इसी तरह आप और भी क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो यहाँ से फिर अगेन लेयर लगा सकते हो, और इस तरह से आप अगले वीडियो भी बना सकते हो। हमने बहुत से वीडियो बताया किस तरह से वन या टू से ज़्यादा मोर देन क्वेश्चन लगाना हो, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद इस तरह वीडियो बनाने के बाद आपको सेव करना है, तो सेव वाले ऑप्शन पे यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जिस क्वालिटी में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से अपनी क्वालिटी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर फुल HD में करना चाहते हो तो फुल HD में कर लो। इसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सेव होना, तो इस तरह से कम्प्लीटली सेव हो जाएगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।